हेलो एवरीवन, इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट क्वेश्चन नंबर 32 ऑफ आयुर्वेदो। और इस क्वेश्चन में ऑथर क्या करना चाह रहे हैं देख लेते हैं हम लोग। फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल एंड स्ट्रेंथ एट द सेंटर ऑफ हेमीस्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर चार्ज यूनिफॉर्मली विथ सरफेस डेंसिटी सिग्मा। ओके, एक यूनिफॉर्मली चार्ज हेमीस्फीयर है। यूनिफॉर्मली चार्ज हेमीस्फीयर है, इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा के बराबर दिया हुआ है। ओके, तो ऐसा करते हैं कि जब इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो यहाँ से थीटा एंगल जाके एक डी थीटा विड्थ का एक स्ट्रीप कंसीडर कर लेते हैं। ये हमने एक स्ट्रिप कंसिडर कर लिया, इसका रेडियस आर है, तो ये जो लेंथ है डेट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आर डी थीटा हो जाएगा। ओके, और इस रिंग का जो इस ये स्ट्रिप कंसिडर किया हुआ है, रिंग इस हेमीस्फीयर के अंदर जो हमने रिंग कंसिडर किया है, इसका रेडियस कितने के बराबर आ जाएगा, आर कॉस थीटा के बराबर। ये इस रिंग का रेडियस हो गया, ठीक है। और ये सेंटर कितने दूर पर होगा, आर साइन थीटा के बराबर। ओके, मतलब ये जो हमने रिंग कंसीडर किया उसका विड्थ आर डी थीटा के बराबर है और रेडियस आर कॉस थीटा के बराबर है, और हेमीस्फीयर के सेंटर से वो रिंग कितने डिस्टेंस पर है, आर साइन थीटा के डिस्टेंस पर है। चूंकि रिंग है तो आप आसानी से उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं डी का जो वैल्यू आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू आएगा, ठीक है, रिंग के केस में जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लिखते हैं वही यहाँ पे लिखना होगा। तो रिंग के केस में क्या होता है, के डी क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2, जो भी टर्म है उसके जगह पे पुट कर देते हैं, स्मॉल आर के जगह पे आर कॉस थीटा पुट करेंगे, एक्स के जगह पे आर साइन थीटा पुट करेंगे, तो आर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 हो जाएगा। तो ये वाला जो टर्म है ये आर क्यूब हो गया, ठीक है। तो डी ई का जो वैल्यू है ये के डी क्यू बाई आर स्क्वायर आर क्यूब इंटू एक्स, ये टर्म आ गया। और x का वैल्यू कितने के बराबर है, r साइन थीटा के बराबर, तो x के जगह पे r साइन थीटा पुट कर देते हैं। डी क्यू का वैल्यू कितना होगा, ये जो स्ट्रिप हमने कंसीडर किया है इसका एरिया का वैल्यू कितने के बराबर होगा, तो डी ए का वैल्यू होगा 2π r रेडियस, रेडियस के जगह पे क्या लिखेंगे, r cos थीटा, 2π r cos थीटा, ठीक है, इनटू इसका विड्थ, विड्थ कितना है, r d थीटा विड्थ है, तो r d थीटा। तो डी ए का वैल्यू कितने के बराबर आ गया, 2π आर स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा, ये डी ए आ गया। जब एरिया आ गया उस स्ट्रिप का तो चार्ज आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। तो डी क्यू का वैल्यू आ जाएगा सिग्मा इंटू डी ए 2π आर स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा, सिग्मा इंटू 2π आर स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा, ये चार्ज आ जाएगा उस स्ट्रिप पे, उस रिंग पे, ठीक है। तो अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, डी एक्स इक्वल्स टू आ जाएगा के बाई आर क्यूब, और डी क्यू की जगह पे क्या लिख देंगे, सिग्मा इंटू 2π आर स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा, ये के डी क्यू हो गया, और एक्स के जगह पे क्या लिखेंगे, एक्स के जगह पे आर साइन थीटा हो जाएगा, तो यहाँ पे इंटू आर साइन थीटा बाई आर साइन थीटा आ गया। तो सारा टर्म लिख चुके हैं हम लोग, के इंटू डी क्यू के जगह पे सिग्मा इंटू 2π आर स्क्वायर कॉस थीटा डी थीटा, एक्स के जगह पे आर साइन थीटा, और नीचे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू दी पावर 3/2 आर क्यूब हो गया है, ठीक है। तो ये आर क्यूब यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और k के जगह पे 1/4 एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, तो ये 1/4 एप्सिलॉन नॉट कर देंगे, सिग्मा इंटू 2π कॉस थीटा इंटू साइन थीटा टू डी थीटा, ये आ जाएगा। पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, तो डी ई एक्स का जो वैल्यू आएगा सिग्मा बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, क्या आ गया यहाँ पे 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, तो इसको लिख सकते हैं क्या, साइन
टू थीटा डी थीटा। अब इंटीग्रेशन आसानी से हो सकता है, कर देते हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का लिमिट कहाँ से कहाँ तक, थीटा का वैल्यू जीरो से लेकर के पाई बाई टू तक, पाई बाई टू तक करेंगे पूरा का पूरा हेमिस्फीयर बन जाएगा, ठीक है। तो जीरो से लेकर के पाई बाई टू तक, ठीक है, क्योंकि ये बाहर देखिए जब थीटा एंगल आए आप, थीटा एंगल जब आप चले गए हैं तो इधर और इधर दोनों तरफ ये हेमिस्फीयर बन रहा है, ठीक है। तो जब यहाँ से आप थीटा का वैल्यू पाई बाई टू कर दीजिएगा तो ये पूरा का पूरा हेमिस्फीयर बन जाएगा। तो इसका मतलब है कि थीटा का जो लिमिट आपको रखना है वो जीरो टू पाई बाई टू होगा। तो यहाँ से ई एक्स का वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगा सिग्मा बाई फोर एप्सिलॉन नॉट, और साइन टू थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन टू थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टू थीटा बाई टू होगा, जीरो से पाई बाई टू सिग्मा बाई फोर एप्सिलॉन नॉट कॉस पाई माइनस वन होता है तो वन प्लस वन बाई टू, ये कैंसिल आउट हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ गया वो सिग्मा बाई फोर एप्सिलॉन नॉट के बराबर आ गया। अच्छी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कैलकुलेट हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड जो कैलकुलेट हुआ है वो डाउनवर्ड होगा, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो डाउनवर्ड होगा, इस डायरेक्शन में हम लोगों ने एक्स एक्सिस को लिया है। इलेक्ट्रिक फील्ड हेमिस्फीयर के कारण डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। ओके ओके, अब देख लेते हैं पोटेंशियल की बात यदि करें तो इस हेमिस्फीयर का सरफेस सेंटर से इक्वली डिस्टेंस पर है, रेडियस के बराबर डिस्टेंस पर है। तो पोटेंशियल निकालना बहुत आसान है, सीधा के क्यू बाई आर हो जाएगा और क्यू इस हेमिस्फीयर पे चार्ज जितना है वो होगा। तो पोटेंशियल की यदि बात करें तो पोटेंशियल पे हो जाएगा वी का वैल्यू हो जाएगा के क्यू बाई आर, और क्यू मतलब इस हेमिस्फीयर पे टोटल चार्ज जो कि कितने के बराबर होगा, सिग्मा इंटू टू पाई आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी, के क्यू बाई आर, ये रेडियस से रेडियस कट गया। पोटेंशियल का वैल्यू, के का वैल्यू कितना लिखेंगे, वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये टू से कट गया तो सिग्मा बाई टू एप्सिलॉन नॉट इंटू आर आ जाएगा। दिस इज द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट द सेंटर ऑफ हेमिस्फीयर एंड दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ दिस हेमिस्फीयर। थैंक यू।